और हजरात, इन हालात में शुक्रगुजारी का एक बहुत बड़ा पहलू है, शुक्रगुजारी का एक बहुत बड़ा पहलू है, और वो क्या है जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुझे आप हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोरोना वायरस की इस आजमाइश से गुजार कर हम सबको जीते जी दुनिया ही में दुनिया की हैसियत बता दी। हमारा जो माल है, हमारी जो दौलत है, हमारे जो बंगले हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारे जो ओहदे हैं, हमारे जो मनसब हैं, हमारी जो कुर्सियां हैं, हमारी जो इज्जत है, हमारी जो शोहरत है, रब्बुल आलमीन ने जीते जी दुनिया की हैसियत हमारी आंखों के सामने खोल कर रख दी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी का मुकाम है। कुरान कहता है कि बेशतर इंसानों को दुनिया की हैसियत मरने के बाद कियामत के दिन समझ में आएगी। كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها। उस दिन इंसान को समझ में आएगा, उस दिन इंसान को याद आएगा कि दुनिया में जो 50 साल 60 साल 70 साल जिंदगी गुजार आया हूं, एक सुबह थी जो गुजार आया हूं या एक शाम थी जो गुजार आया हूं, कियामत के दिन इंसान को दुनिया की जिंदगी की हैसियत मालूम होगी। शुक्र है परवरदिगारा, हम जैसे गाफिल इंसानों को मुतनब्बे करने के लिए जीते जी तूने हमें दुनिया में ही दुनिया की हैसियत बता दी, जीते जी तूने दुनिया ही में दुनिया की कीमत हमें बता दी। आज हम सब मानने पे मजबूर हैं। यहां का ऐश आरजी है, यहां की राहत आरजी है, यहां का आराम आरजी है, यहां की नेमत आरजी है, यहां की खुशी आरजी है, यहां की इज्जत आरजी है, यहां की दौलत आरजी है, यहां का हुस्न आरजी है, यहां की तरक्की आरजी है, यहां का जमाल आरजी है, यहां का कमाल आरजी है, यहां सब कुछ आरजी है और खत्म होने वाला है। यह सबक इंसानों को इस आजमाइश ने दिया है। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا। माल औलाद बेटे ये सब बस दुनियावी जिंदगी का सामान है, दुनियावी जिंदगी की रौनक है। الباقيات الصالحات आमाल सालिहा बाकी रहने वाली नेकियां, ये मेरे और आपके अंजाम को बनाने के लिए सबसे बेहतर चीज है। आज हजरात इंसान को समझ में आ रहा है कोरोना वायरस के इस इम्तिहान से गुजरते हुए जिसके पास जितनी दुनिया है वो उतना ही ज्यादा परेशान है, लखपति परेशान है, तो उससे ज्यादा परेशान करोड़पति है, उससे ज्यादा परेशान अरबपति है। जिसके पास जितना सामान है वो उतना ही ज्यादा आज परेशान है। और इंसान को समझ में आ रहा है कि जिंदगी के सफर में जिस मुसाफिर के पास सामान जितना कम होगा उसी का सफर आसान होगा और मंजिल तक पहुंचना उसी के लिए आसान होगा। और जिंदगी के सफर में जिस मुसाफिर के पास जितना ज्यादा सामान होगा, जो सामान से लदा हुआ होगा, उसके लिए जिंदगी का सफर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज इंसान को समझ में आ रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनियावी जिंदगी याद रखो धोखे का सामान है। आज इंसान को समझ में आ रहा है कि फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी, दुनिया का साजो सामान कोई हैसियत नहीं रखता। ये मताए कलील है, ये मताए कलील है, वक्ती सामान है और थोड़ा सा सामान है। वल्ला मोहतरम भाइयों, दुनिया की हैसियत को समझने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। दुनिया क्या है, दुनिया क्या करती है, दुनिया से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दुनिया को किस नजर से देखना चाहिए, दुनिया को कैसे बरतना चाहिए, इन सब हकायक को समझने के लिए इस वक्त से बेहतर वक्त हमारी जिंदगी में शायद नहीं आएगा। समझ जाओ दुनिया क्या है। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु तन्हाइयों में दुनिया से मुखातब होके कहते थे या दुनिया गुर्री गैरी, या दुनिया गुर्री गैरी फकत तल्लक्नुकी अलबत्त, ऐ दुनिया जा मुझे धोखा ना दे, जा किसी और को धोखा दे, मैं तेरी हैसियत को जान चुका हूं, मैं तेरी हैसियत को पहचान चुका हूं, इसलिए मैंने तुझे तीन तलाकें दे दी हैं, मुझे धोखा ना दे।